प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा आज से, आज और कल पीएम रहेंगे लक्षद्वीप और श्रीलंका के दौरे पर, विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। झारखंड के रांची शहर में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। पीएम ट्विटर के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं योग के लिए प्रेरित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिवंगत पिता प्रेम सिंह चौहान को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने सीएम के गृहग्राम जय पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रीवा जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर संभाग आयुक्त ने ली जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक। मानसून पूर्व ही आपदा से निपटने की सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में बैठक आयोजित। जिले के अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। किसान सम्मान योजना में किसानों के लिए की गई राशि बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करने का सिलसिला जारी। कटनी में किसानों ने पीएम के नाम स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा को दिया धन्यवाद पत्र। विदिशा जिले के सिरोंज में पर्यावरण दिवस की थीम बीट एयर पॉल्यूशन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। भारत ओमान रिफाइनरी बीना के वरिष्ठ अधिकारी रहे प्रतियोगिता में मौजूद, प्रतिभागी छात्र छात्राओं को किया सम्मान। राजधानी स्थित जनजातीय संग्रहालय के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 5 दिवसीय समारोह के दौरान आयोजित की जा रही है कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां। प्रदेश में दस्तक अभियान का 10 जून से होगा शुभारंभ। अभियान के संदर्भ में आंगनवाड़ी आशा एएनएम कार्यकर्ताओं को जानकारी देने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है प्रशिक्षण। नरसिंहपुर जिले में 10वीं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। संभागायुक्त राजेश बहुगुणा और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने किया विद्यार्थियों को पुरस्कृत। भोपाल में नाबार्ड द्वारा आम महोत्सव का किया गया आयोजन। आम महोत्सव का आज है अंतिम दिन। प्रदेश के किसानों द्वारा जैविक पद्धति से तैयार की गई आम की विभिन्न किस्मों का किया गया महोत्सव में प्रदर्शन। प्रदेश भर में 1 जून से 30 जून तक चल रहे मलेरिया मास के अंतर्गत हो रहे कई जागरूकता कार्यक्रम। राज्य के ग्रामीण अंचलों में मलेरिया जागरूकता रथ के माध्यम से दी जा रही है मलेरिया के कारणों और बचाव की जानकारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा विश्व कप में मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 मैच जीतने पर और भारत द्वारा अपना पहला मुकाबला जीतने पर है हौसले बुलंद। पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा था भारत। विश्व कप 2019 के शुक्रवार को खेला जाने वाला श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण हुआ बाधित रद्द। दोनों टीमों को 1 पॉइंट से करना पड़ा संतोष। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। जून माह का पहला सप्ताह बीतने के बाद भी नहीं हो रहे गर्मी के तेवर कम। राज्य में कई जगह पारा 45 के पार। भोपाल में टूटा पिछले 24 वर्षों का रिकॉर्ड। जून में तापमान ने छुआ 46 डिग्री का स्तर।